भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज शाम 7 बजे से चौथा T20 मैच खेला जाएगा। दरअसल 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-2 से पीछे है, तो वहीं T20 सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को आज का मैच हर हाल में जीतना ही होगा। दरअसल चौथे T20 मैच से टीम इंडिया के एक खिलाड़ी का पत्ता कट सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया का एक खिलाड़ी उसके लिए अब हर मैच में विलन साबित हो रहा है। ये खिलाड़ी खुद को मिल रही लगातार मौकों की बर्बादी कर रहा है। इस खिलाड़ी के प्लेइंग 11 में रहने पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कुछ मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है, तो कई बार उन्होंने निराश भी किया है। दरअसल भारतीय T20 टीम में श्रेयस अय्यर की जगह पर सवाल उठने लगे हैं। तीसरे T20 मैच में जब टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, तो वो 11 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे T20 मैच में श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों पर 40 रनों की बेहद धीमी पारी खेली। दरअसल श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर लगा ही नहीं कि वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर के इस फ्लॉप प्रदर्शन से एक बात तो तय हो गई है कि उनकी टीम इंडिया की T20 प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जगह बनती नहीं दिख रही, क्योंकि नंबर 3 पर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो शुरुआत से आकर ही चौके छक्कों की बरसात कर दे और विपक्षी टीम पर दबाव बना दे। श्रेयस अय्यर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दें, चौथे T20 मैच में प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर की जगह दीपक हुड्डा को मौका दिया जा सकता है, जो अकेले ही दम पर टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए दीपक हुड्डा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं दीपक हुड्डा जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ एक से बढ़कर एक शॉट खेलने और रन बटोरने की कला में माहिर भी है। क्या दोस्तों, दीपक हुड्डा और श्रेयस अय्यर में से आपको कौन बेहतरीन बल्लेबाज लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें।